नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के खायरा गांव में यहां पर मौजूद हैं और खायरा गांव में आप देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में यहां पर हमारे पास पीछे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां पर माताएं बहनें आप इस साइड देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अभी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। संदीप SDM जो है लगातार अपने विधानसभा के गांव में डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ, जीतते गो संदीप है और खूब वोटा से जीतते हैं, खूब वोटों से, खूब वोटा से, आत्मा कह रही है, हाँ मेरी आत्मा कह रही है, हाँ मेरी आत्मा कह रही है, खूब जीतते गो आशीर्वाद मेरे। आप भी बताइए ताई जी, क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? जीतेगा, काफी वोटों से जीतेंगे, अच्छा लगा। खारा में तो खूब दान सिंह जीत गए, किमी करे ना रामविलास, रामविलास जीत जीत गए, हमान तो पूछे भी ना, कुछ नहीं करे। देखो SDM साहब एक एजुकेटेड आदमी है, इनको पता है, जैसे अभय सिंह ने जो है नांगल चौधरी में, नारनौल में सारे, और यहाँ से तो जो अभी यहाँ से जो रेलवे लाइन थी वो उठा के करियाणा ले गए, जो अलवर वाली थी, नेताओं में इतना कुछ दम नहीं रहा कि भी यार ये कुछ करे, निठल्ले आदमी। पंडित जी के घर के सामने देख लो, रोड टूटे पड़े, आज तक उन 20 साल में किन करवा दी होती, एक ईंट लगवा दे तो बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने रोड टूटे पड़े, 47 की हालत देख लो, वहाँ से पैदल जाना मुश्किल है। अब तो दुकानों में भी पानी चला गया था, यहाँ दुकानों में क्या है, जो घर में जा रहा, घर फूट रहे थे, नाली कहीं नहीं बनवाया, कुछ एक रुपया काम नहीं करवा सकता, मतलब सक्षम नहीं रहे काम करवाने, ना ना ये तो इन्हें अपनी जेब भरने और कोई काम नहीं। और एक आदमी ऐसा होता है कि झूठा वादा करता है, केवल जो जैसे मंदिर के अंदर भी पैसा देने के लिए जो है ये किया कि हम इतना 1000 रुपये देंगे मंदिर में, और उस आदमी ने 5000 दे करके और आज तक भी 11000 रुपया BJP के जो पंडित जी हैं उसके अंदर बाकी हैं। अभी तक जो हमारे गांव का मंदिर है उसके अंदर 11000 रुपया अभी तक नहीं दिया है उसने, तो ऐसे झूठा वादा करने वालों का जो है क्या साथ देंगे। पूरा गांव हमारा संदीप SDM ईमानदार और सच्चाई का आदमी के साथ है, हमारा गांव पूरा गांव सच्चाई और ईमानदार आदमी है, वो पढ़ा लिखा है, इसको मालूम कैसे काम होते हैं सरकारी, कैसे क्या करना है, इसको पढ़े लिखे है, इसमें SDM साहब रहा हुआ है, जैसे विधायक अभय सिंह ने जैसे पढ़े लिखा था नांगल चौधरी में कितना काम कराया है, तो ऐसे ही नांगल चौधरी में काम हुआ, ऐसे ही हमारे मंदिरगढ़ में भी SDM साहब काम करवाएगा। मैं चाहूँगा अगर जैसे गांव में चर्चा होती है भाई अभय सिंह नांगल चौधरी से बहुत अच्छा काम करवाया, वो पढ़ा लिखा है, IAS है, और संदीप की भी यही तारीफ है, अगर भाई ये पढ़ा लिखा है अच्छा काम कराएगा इसलिए हम इसको चुने। कुर्ता पजामा वाला लीडरों को छोड़ दिया, ऐसे लीडर चाहिए जो पैंट बुशर्ट वाले और पढ़े लिखे ईमानदार। बिल्कुल, अरे सर आप भी बताइए क्या बताएं, सच्चाई और ईमानदारी को वोट देंगे, 1 लाख से ऊपर जिताएंगे अब की बात, 1 लाख से हाँ ऊपर, पूरा विश्वास, पूरा विश्वास 100%। ठीक है जी, आप भी बताइए सर, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात जो महेंद्रगढ़ के गांव ने करके रख दिए, अब की बार लगता है कि कुछ अलग बदलाव होगा महेंद्रगढ़, बिल्कुल अलग होगा, विश्वास है आप? हाँ विश्वास। हाँ जी सर बताइए क्या बताते हैं, हमें डाली वालों से नफरत हो गई है, बगैर डाली वाला नेता चाहिए। तो हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर जैसे ही आपने कमाल कर दिया, पहले भी जो गांव आपने पाएगा कवर किया था और आज ये तादाद देख करके हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत भारी वोटों से आपकी जीत होने जा रही है, क्योंकि इतने बड़े गांव हैं ये खायरा पाएगा और इसके नज़दीकी जो गांव हैं, ये गांव जो है टॉप लेवल में जाने जाते हैं और यहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ अब की बार यहाँ पर लोग जो है आपको समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले मैं सैनी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना टाइम निकाला और ख़ास तौर पर
मैं खायरा गांव के जितने भी प्रभु जन हैं, आसपास के आए हुए लोग हैं, माताएं बहनें, नौजवान साथी और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना टाइम निकाला। आज हम सब एक ही बात वार्तालाप कर रहे थे आपस में, क्योंकि ये सारा मेरा परिवार है। मैं अभी सबको यही बात बता रहा था कि औरों के परिवार में 5 सदस्य होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन हमारे परिवार में लाखों सदस्य हैं। तो एक परिवार से परिवार का जब मिलन होता है आपस में, तो उसमें अपने दिल की बातें होती हैं। तो हमने एक ही बात इन्होंने बताई, हमने अपने पूरे परिवारजनों को, कि हमें इस टाइम महेंद्र डेवलपमेंट करवाना है। महेंद्र कैसे आगे बढ़े, हमारी सोच को कैसे हमने पूरा वर्ल्ड लेवल पर पहुँचाना है, हमारा एक ही मकसद है, हम किस तरह से महेंद्र को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएँ। आप हालत देख रहे हैं महेंद्रगढ़ की, सब कुछ टूटा हुआ है, रोड नहीं है यहाँ पे, सीवर लाइन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। ये तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज थी, जो कि ये तो 50 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग उन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में पावर आए पहली बार। अब तो पावर हम सिर्फ 2 फैमिलीज़ को दे रहे थे, पब्लिक को पावर का पता ही नहीं था। अब जनता को जान चुकी है जनता, जनता के पास ऑप्शन मिल चुका है। पहले ऑप्शन ही था जनता के पास, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में जनता को भ्रमित कर दिया गया। पहले जनता जीत रही थी, लेकिन 2 दिन में ऐसा कुछ हुआ कि भी जनता को बोला कि 10,000 आएंगे, 5,000 आएंगे, 15,000 आएंगे, तो जनता के सामने कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि कितने वोट आएंगे। अब जब जनता ने देखा लगभग 34,000 वोट आ गए हैं, तो जनता को इस बात की बड़ी तकलीफ हुई। अगर थोड़ा सा हम और मेहनत कर लेते तो 70,000 क्रॉस हो जाता। लेकिन इस बार जनता बोल रही है कि हम ब्याज समेत वोट डालेंगे। कहने मतलब ये जनता का एक विचार है कि हम 1,00,000 क्रॉस करेंगे इस बार वोट्स को। संदीप जी, जैसे आप ये गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम यहाँ पे गांव को में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कई लोगों को मिर्ची लग जाती है कि जैसे ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है तो कई लोग आपके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ रोडों की हालत तो इतनी ख़राब है, वो कैसे मेट्रो लेके आएंगे, कैसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहना चाहते क्योंकि हमारे को अपना काम करके दिखाना है। हमने करके दिखाया है एज SDM, जो हमने 20 साल काम किया है महेंद्रगढ़ में, नानौल में, कनीना में, तो वही कार्य हमारा लगातार चलता रहेगा। हम बार बार कहते हैं एम से महेंद्रगढ़, एम से मेट्रो। हमारा सबसे पहला जो प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा मेट्रो का, महेंद्रगढ़ में लाने का। अब देखिए ना, जब हुड्डा अपने कार्यकाल में झज्जर के लिए मेट्रो पास करवा सकता है और रोहतक के लिए मेट्रो पास करवा सकता है, तो हमारी जनता क्यों नहीं करवा सकती महेंद्रगढ़ के लिए मेट्रो पास? कि जितनी बड़ी पावर जनता को मिलेगी उतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, और केवल मेट्रो नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आने हैं ताकि बच्चों को जॉब्स मिलें, बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे लॉन्च होने वाली हैं, बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी स्कीम्स आने वाली हैं यहाँ पे। ये जनता को पता है कि भी नॉलेज इज़ पावर। अगर इनको नॉलेज है तो इसके साथ ही बड़ी बड़ी स्कीम्स भी आएंगी, तो ये काफ़ी कुछ चेंज होने जा रहा है, और ये चेंज होगा बेटरमेंट के लिए। एक तो चेंज होना, एक चेंज बेटरमेंट के लिए होना, बेहतरी के लिए चेंज होना। तो जनता ने देख लिया है कि जो अफसर रह चुका है व्यक्ति, उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, फाइल कहाँ पर है, कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा, तो ये सब कुछ जनता को पता है। तो जनता ने इस बार ठान लिया है कि हमें एक अफसर लाइन के व्यक्ति को बनाना है और इतनी बड़ी जीत दर्ज करवानी है कि आगे जनता की बहुत बड़ी पावर मिलेगी। सर, जैसे एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी हैं और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान के लोग हैं, वो अभी से ही मानने लगे हैं कि SDM संदीप की पोजिशन इतने हाई लेवल पर जा चुकी है कि अब इनको हराना नामुमकिन है। क्योंकि जहाँ तक हमने देखा कि बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, शिक्षा का काफ़ी बड़ा हब है यहाँ महेंद्रगढ़ जिला, और इसमें अगर ये कहने लग जाते हैं अपने आगे से आकर के भी अब की बार संदीप जी बहुत भारी वोटों से जीतने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अब फिर आंधी आएगी, वो बदलाव की स्थिति। सहन साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। मेरे पास फ़ोन भी आया था पिछले महीने, एक काफ़ी बड़ा संस्था है यहाँ पर, उनके काफ़ी स्कूल कॉलेजेस हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमने सर्वे करवाया है, तीनों के सर्वे करवाया हमने, आप दोनों से बहुत 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 आगे हो। ये खुद ही बात बोल रहे हैं ये, और ये जनता दिखा भी रही है, जनता ने फैसला कर लिया इस बारी। कल बस दुलोट से फ़ोन आया था, काफ़ी नए लोग जुड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आज के दिन दुलोट में अकेले आप 70% पे हो। तो ये देखिए ना, कितना लोगों के अंदर अपने आप ही एक भावना आ रही है कि लोगों ने देख ली है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति, और जिस व्यक्ति ने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ी है 10 साल की, तो केवल काम करवाने के लिए छोड़ी है उसने। मैं तो जनता को एक ही बात कह रहा हूँ, हमारे परिवार को एक ही बात कह रहा हूँ, इस बारी वोट खुद को डाल के देखिए, पहली बारी इस बारी वोट डालिए सच्चाई को, ईमानदारी को, और प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मेन मुखिया आदमी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन करवाया है। पूर्व SDM संदीप सिंह को यहाँ पर उन्होंने एक ये जनसभा के माध्यम से इनको बुलाया है, तो अब इनसे जान लेते हैं। सरपंच साहब, पूरे जितने भी गांव के लोग हैं, आपको काफ़ी वोटों से यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी थी, और आज ये जिम्मेदारी आपके हाथ में आकर के पूर्व SDM संदीप सिंह को, जितने भी साथी हैं यहाँ गांव के लोग हैं, मैं कह सकता हूँ कि 80-85% लोग यहाँ पर समर्थन दे चुके हैं संदीप जी को, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? सबसे पहले मैं
एस डी एम साहब को हम घर में आने का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव पंचायत तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इसने अपना टाइम काट कर हमारे गांव में आया और पूरा गांव हमारा संदीप एस डी एम से ईमानदार और सच्चाई का आदमी के साथ है। हमारा गांव पूरा गांव सच्चाई और ईमानदार आदमी है और पढ़ा लिखा है, इसको मालूम कैसे काम होते हैं सरकारी, कैसे क्या करना है, इसको पढ़े लिखे है। इसमें एस डी एम साहब रहा हुआ है, जैसे विधायक अभय सिंह ने जैसे पढ़े लिखा था, आज नंगल चौधरी में कितना काम कराया है, तो ऐसे ही नंगल चौधरी में काम हुआ, ऐसे ही हमारे मंदिरगढ़ में भी एसडीएम साहब काम करवाएगा। मतलब फुल विश्वास है आपको कि रिकॉर्ड तोड़ अब की बार काम होगा, ये जीतेंगे तो? हाँ खूब विश्वास है जी, अच्छा काम करवाएगा, बहुत बढ़िया हमारे मंदिरगढ़ में काम करवाएगा। ठीक है सर। हाँ जी सर, आप भी बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे संदीप जी? बढ़िया है जी, खूब वोटों जिताएंगे, खूब वोटों जिताएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेगा आपके। हाँ रिकॉर्ड। हाँ जी सर, आप भी बताइए, आपके घर में ये प्रोग्राम हो रहा है सर, तो मतलब ये प्रोग्राम बनाने की कैसे मन में आई कि भी इस तरह का कार्यक्रम करवाना चाहिए? हमने बहुत साल वोट दिया, अच्छा जी, ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला, जाति भी दिया और भी दिया, हमने कैंडिडेट को चुना है और हम पिछली योजना में साथ थे, अब की बार फुल जोर शोर से साथ हैं और आगे भी रहेंगे। पिछली बार मैं मानता हूँ कि परसेंटेज में कुछ कमियाँ रही होंगी, क्योंकि कोई बात हो जाती है, कोई भ्रमित हो जाता है, कोई ना कोई बात हो जाती है, तो अब की बार क्या रहने वाला, किस तरह भ्रमित नहीं हुए, हम तो पक्के साथ थे और रहेंगे जोर शोर से, पर कुछ कमियां रह गई, छोटी मोटी कमियां रह गई, वो दो चार दिन में हम नहीं संभाल पाए। 18 तारीख के बाद हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, नहीं तो हमारा तो पक्का पक्का जीत था। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा, जोर से टूटेगा। ठीक है जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, एक से बढ़ के एक प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आपके गांव में भी संदीप जी आए हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में, किस तरह का विचार सुने आप? पहली बार महेंद्र को एक लीडर मिला है और सच्चा और ईमानदार, और ये अफसर होते हुए भी इन्होंने इतने काम करवाए महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर, रिवाड़ी के अंदर, और अब ये जब एक हमने इनको एक लीडर चुना है, तो एक हम ये कहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाएंगे, और हमें वो नेता नहीं चाहिए, हमें तो ये कुर्ता पजामा वाला लीडरों को छोड़ दिया, ऐसे लीडर चाहिए जो पैंट पर शर्ट वाले और पढ़े लिखे ईमानदार। बिल्कुल। हाँ जी सर, आप भी बताइए क्या बताएं? सच्चाई और ईमानदारी को वोट देंगे, 1,00,000 से ऊपर जिताएंगे अब की बार। 1,00,000 से हाँ ऊपर, पूरा विश्वास 100%। ठीक है जी। हाँ जी, आप भी बताइए सर, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात जो महेंद्रगढ़ के इन दो नेताओं ने करके रख दिए, अब की बार लगता है कि कुछ अलग बदलाव होगा महेंद्रगढ़? बिल्कुल अलग होगा, विश्वास है आपको? हाँ विश्वास। हाँ जी सर, बताइए क्या बताना चाहिए? हमें डाली वालों से नफरत होगी, जब बगे डाली वाला नेता सी हो। अच्छा, डाली वालों से नफरत होगी। ठीक है जी, आप ही सर बताइए क्या बताइए? हाँ जी, हमारे जी नेता जी हैं बहुत ईमानदार और बहुत, पिछली बार जीत जाते, अगर लोगों को ये पता होता ना कि इतने वोट हो जाएंगे तो पिछली बार ही पार थे। ये तो 1.5 महीने की मेहनत थी इनकी सर। हाँ सर, अकेले घूमे। मतलब इनका परिवार तो आप लोगों की जनता, इन्होंने मान के रखा है, इनका कोई कोई फादर भाई इनके साथ नहीं रहा? नहीं जी कोई नहीं, अकेले घूमे जी, फिर भी 34,000 वोट लेके। हाँ जी, 34,000 लोगों को विश्वास नहीं था कि इतने वोट ले जाएंगे, अगर इतना विश्वास होता तो बहुत ज्यादा वोटों जीते, और अब की बार जीतेंगे, बहुत ज्यादा वोटों जीते। सर नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए सर क्या बताना चाहेंगे? देखो एसडीएम साहब एक एजुकेटेड आदमी है, इनको पता है, जैसे अभय सिंह ने जो है नांगल चौधरी में, नारनौल में सारे, और यहाँ से तो देखो अभी यहाँ से जो रेलवे लाइन थी वो उठा के करियाणा ले गए, जो अलवर वाली थी। इन नेताओं में इतना कुछ दम नहीं रहा कि भी यार ये कुछ करे, निठल्ले आदमी। पंडित जी के घर के सामने देख लो, रोड टूटे पड़े, आज तक उन 20 साल में किन करवा दी होती, ईंट लगवा दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सामने रोड टूटे पड़े, 47 चौक की हालत देख लो, वहाँ से पैदल जाना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो दुकानों में भी पानी चला गया था, यहाँ दुकानों में क्या है, जो घर में जा रहा, घर फूट रहे थे, नाली कहीं नहीं बनवाया, कुछ 1 रुपया काम नहीं करवा सकता, मतलब सक्षम नहीं रहे काम करवाने। ना ना, ये तो इन अपनी जेब भरने और कोई काम नहीं इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या बताना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, इसका महेंद्रगढ़ का उद्धार कर सकते हैं, संदीप साहब कर सकते हैं, अन्यथा इनको तो हम देखते हुए 40 साल हो गई, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, जो अभी संदीप जी आएंगे तो आपको विश्वास है कुछ महेंद्रगढ़ के में बदलाव आएगा? पहले भी इन्होंने तो बहुत बदलाव किया था, अब भी आएंगे तो पूरा 100 की 100 मतलब इन्होंने जो ऑफिस के सिस्टम है वो बदल दिए थे। हाँ। सीधा लोगों से जुड़ाव था। हाँ। ये काफ़ी बड़ी लोगों तो की मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था, और जब साहब थे जब सीधे डायरेक्ट मिलते थे जाके। अभी विश्वास है कि बिचौलिया शब्द अब खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ये मंत्री बनते। हाँ सब खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट मिलो। ठीक है जी, थैंक यू। तो एक जो साथी हैं उनसे भी हम मिल लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी।
कैसे हो? ठीक है, बढ़िया है। तो आज संदीप जी का विचार सुना आपने, तो इनके साथ ही है, शुरू से साथ है। अच्छा, शुरू से साथ है। ईमानदारी का साथ देते हैं हम, ईमानदारी का साथ, ईमानदारी का। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है ताऊ जी, इनके साथ हैं। आप भी बताइए सर, क्या पिछले बार साथ था, तो घर का आदमी अच्छा घर के आदमी है। ठीक है, ठीक है जी। देखिए काफी लोग हैं पीछे, आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी सर, आप भी बता दीजिएगा, क्या बताना चाहेंगे जी, आप बताइए सर। संदीप जी को जी, संदीप जी सच्चे और ईमानदार आदमी हैं, और ये अगर आगे आ जाएंगे तो ये काम भी करवाएंगे, काम भी करवाएंगे। जनता को मतलब विश्वास हो गया कि 36,000 वोट ले गए सरों में खड़े हुए निर्दलीय, वो भी तो अब की बार तो पार जाएंगे। मतलब कम टाइम में काफी मतलब वोट लेके गए। हाँ जी, बहुत 36,000 वोट थोड़े नहीं होते निर्दलीय में। देखिए काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और कुछ उधर देखिए माताएं हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की भी अहम भागीदारी होती है कहीं ना कहीं चुनाव में। तो हम एक दो माताएं बैठी हैं। माता जी नमस्कार। तो आपने संदीप जी को सुना है, तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, हाँ बढ़िया लगा। अब की बार किस तरह का आशीर्वाद देंगे आप? खूब बढ़िया जाएंगे, बढ़िया जिताएंगे अब की बार। हाँ, जिताएंगे। पूरा गांव साथ है आपका? हाँ, पूरा गांव साथ है। अब की बार विश्वास है कि महेंद्रगढ़ विकास होगा? हाँ, विकास होगा महेंद्रगढ़, लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है। संदीप जी जीतेंगे तो विकास होगा? हाँ, विकास होगा। हाँ जी, आप भी बता दीजिएगा क्या क्या बताएंगे। संदीप जी को सुना है, कैसा लगा? सही लग गया, अच्छे लगे नेता, नेता अच्छा लग गया, सिर्फ वोट इसको ही। आपके बाद पूरा समर्थन? हाँ, समर्थन। आप भी बताइए कैसा लगा आपको सुनने? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, वोट इसको। मैं बता रही हूँ, जीतते गो संदीप है, और खूब वोटा से जीतते हैं। खूब वोटों से, खूब वोटा से। आत्मा कह रही है? हाँ, मेरी आत्मा कह रही है। हाँ, मेरी आत्मा कह रही है, खूब जीतते गो आशीर्वाद मेरे। आप भी बताइए, ताई जी क्या कहेंगे संदीप जी के बारे में? जीतेगा, काफी वोटों से जीतेंगे। अच्छा लगा, सारा मत खूब। दान सिंह जीत गए, किमी करे ना, रामविलास जीत जीत गए, हमान तो पूछे भी ना, कुछ नहीं करे, ये पूरे कुछ ना खिचड़ापन कर दिया उन्होंने, और भी नहीं देखा। एक तो जीता है देंगे, एक तो फिर तो किम करेगा, तो हरदम जीता। महिलाओं ने बताया है कि अब की बार उनकी दिल की आवाज है कि रिकॉर्ड तोड़ जीत करवाएंगे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह की। तो कुछ साथी हमारे साथ और मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। सर नमस्कार, आपने भी जो है संदीप जी के विचार सुने हैं, कैसा लगा सर, किस तरह से आप समर्थन करेंगे? बहुत बढ़िया जी, संदीप जी का हमने पहले बेस्ट टीम रहते हुए कार्यकाल भी देखा है, जब भी हम जाते थे 10 मिनट में हमारा काम करके दे देते थे, और बहुत बढ़िया इनका नेचर है। और देखो अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के हमारी सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आगे ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो इन्हीं के जो बैच के हैं डीसी, जो जयकिशन आबिर जी हैं, इन्हीं के साथ के हैं, अगर वो डीसी है आज तो ये भी डीसी होते इस टाइम, तो ये अपनी एक क्लास की नौकरी को छोड़ करके आए हैं, तो लोगों के लिए आए हैं जी, हमारे लिए आए हैं, हमारी सेवा के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, यही है जिनकी सोच। आज बताइए सर। देखो जी, ऐसा है, जो आदमी सच्चा वादा करता है वो हर आदमी जो है उसका साथ देता है, और एक आदमी ऐसा होता है कि झूठा वादा करता है केवल, जो जैसे मंदिर के अंदर भी पैसा देने के लिए जो है ये किया कि हम इतना 1,000 रुपये देंगे मंदिर में, और उस आदमी ने 5,000 दे करके, और आज तक भी 11,000 रुपया बीजेपी के जो पंडित जी हैं उसके अंदर बाकी हैं। अभी तक जो हमारे गांव का मंदिर है उसके अंदर 11,000 रुपया अभी तक नहीं दिया है उसने। तो ऐसे झूठा वादा करने वालों का जो है क्या साथ देंगे? जो सच्चाई का साथ देना चाहिए इंसान को, जो है जो सच्चे हैं उसी का साथ देना चाहिए। जो बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जी? हाँ जी सर नमस्कार, बताइए सर क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे गांव में संदीप एस डीएम साहब का पधारे इनके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप सर एक अच्छे एजुकेटेड और पढ़े लिखे हैं, और कुछ यानी 15 या 20 साल तक मतलब अच्छी पोस्ट पर हैं, 1 क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो हमें तो यही उम्मीद है कि आगे भविष्य में हम इनको आगे बढ़ाएंगे, और हम इनके साथ में हैं, और हमें इनसे हमें यही आशा रहेगी हमारे साथ भी जो है ना हमारे मेहनत के लिए के विकास का कार्य करें, हमसे हम इनसे यही उम्मीद करते हैं। हाँ जी बताइए सर। मैं खारिया से राजेश बोल रहा हूँ, हम एच डी एम साहब के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए एक दो साथी हमें और भी उधर दिखाई दे रहे हैं, अभी लेट हो गए सर, ये आए हैं तो हमारा इंटरव्यू अभी स्टार्ट है, तो इनसे भी पूछ लेते हैं जी। संदीप जी से आप लगातार आप वाकिफ भी हैं, उस चीज़ को हम बखूबी समझते हैं, तो आज ये प्रोग्राम आपके गांव में रखा गया है सर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्रेस सही कर रहे हैं, प्रोग्रेस अच्छी कर रहे हैं, तो लगता है अब की बार भारी वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे, लग रहा है आपको? लग रहा है। ठीक है,
देखिए ये गांव खारिया में यहाँ पे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पे भारी संख्या में लोग भी इनको सुनने के लिए पहुँचे हैं। आप इधर देख सकते हैं महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो जेंट्स लोग हैं यहाँ पे उनको सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने सब जब अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं और ये सर जी भी रह गए। सर आप भी बताइए, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जैसे गाँव में चर्चा होती है भाई अभय सिंह नांगड़ चौधरी से बहुत अच्छा काम करवाया, वो पढ़ा लिखा है, आईएएस है, और संदीप की भी यही तारीफ है, अगर भाई ये पढ़ा लिखा है अच्छा काम कराएगा, इसलिए हम इसको चुनेंगे। अब की बार ये आपकी आत्मा की आवाज़, आगे के लिए चुनेंगे ये डन हो चुका। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। ये जो यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि अब की बार हमारे दिल की जो आवाज़ आ रही है ये पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को यहाँ पे एमएलए मंत्री यहाँ का बनाएंगे। और ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने पूर्व एसडीएम संदीप सिंह पर ये विश्वास जताया है और आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी एक से डेढ़ साल ये इलेक्शनों का बाकी है, और लेकिन ये कैंपेन जो चलाया जा रहा है, ये डोर टू डोर अभियान जो चलाया जा रहा है, ये भारी संख्या में ये जो कारवा है संदीप जी एसडीएम के साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।